इस बंदे की तरह वीडियो एडिट करना चाहता तो तुम करेक्ट वीडियो पे आए हो। ये बंदा अपनी वीडियो को प्रोफेशनल हाई क्वालिटी डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता है, अदर क्रिएटर की वीडियो से तगड़ा परफॉर्मेंस कर पाती है और मिलियन ऑफ व्यूज जाते हैं। वीडियो एडिटिंग के साथ मैं आपको दो बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक भी देने वाला हूं, जिसे हकाई टीवी सबसे ज्यादा यूज करता है। ऐसी वीडियो एडिट करने के लिए आपको कैप कट डाउनलोड करना पड़ेगा, क्रोम से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, है तो ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपके गेम प्ले की वीडियो उसमें से एक बेस्ट क्लिप सिलेक्ट करनी है। इस वीडियो को देख लो, एकदम लो क्वालिटी की वीडियो और अभी कुछ देर में हाई क्वालिटी पर एक्सप्लोड होने वाली वीडियो। नीचे आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है, फिर आपको एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और एक और बड़ा एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको काफी सारे डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे। ब्राइटनेस आपको 10 रखना है, सेकंड वाले ऑप्शन को इजीली आपको 15 कर लेना है और सैचुरेशन वाले को आपको 26 तक रखना है। एक्सपोजर को आपको -5 रखना है, शार्पन को आपको 100 रख देना है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा वीडियो में बेटर क्वालिटी दिखेगी। हाइलाइट को आपको 10 तक रखना है और शैडो को -5 रख देना है। फिर आपको राइट कर देना, जो भी आपने एडजस्टमेंट किया है उसे पूरे वीडियो में फैला देना है कुछ इस तरीके से। हमें अभी और बेटर क्वालिटी करना है, जिसके लिए हमें एक और एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अपने तरफ से आप मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आप सबको दो तीन करके प्लस किया है। शार्पन को आपको फिर से 100 कर देना है, जिससे और तगड़ी बेटर क्वालिटी आएगी। फिर आपको राइट कर देना, राइट करने के बाद जो भी हमने एडजस्टमेंट किया उसे पूरे वीडियो में फैला देना है, जैसे पहले फैलाया था, बिफोर एंड आफ्टर। काफी हद तक हमें डिफरेंस देखने को मिल चुका है। मैंने अपनी वीडियो में ऊपर साइड में 1:4 लिखा है, नीचे सब्सक्राइब लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और अभी मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाला हूँ, जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। साथ ही साथ जो हकाई टीवी सबसे ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता है, उस सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब आ रही आती है स्लो मोशन इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट। यहाँ पर भी आपको अपनी वीडियो में स्लो मोशन इफेक्ट लगाना है। वहाँ पर क्या करना है, आपको एक कट ऐसा लगाना है, एक कट यहाँ पर लगाना है। जिस पार्ट को आपने कट लगाया उस वाले उसको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद स्लो मोशन लिखा होगा, फिर नॉर्मल होगा, नॉर्मल करने बाद एक कर देना है, स्मूथ बेटर क्वालिटी पर क्लिक करना है और फिर राइट कर देना है। फिर उसके बाद आपका 2-3 मिनट टाइम लगेगा ये स्लो मोशन इफेक्ट लगने में। जो भी आपने स्लो मोशन किया उसका साउंड बिल्कुल 0 कर देना है, वरना आपकी वीडियो बहुत ज्यादा बेकार लगेगी। फिर स्लो मोशन का रिजल्ट देख सकते हो, काफी तगड़ा स्लो मोशन हो गया है। अब बारी सबसे तगड़े इफेक्ट लगाने की। पहले की तरह जैसे हमने स्लो मोशन किया था, उतने को स्लो मोशन कर देना है। करने के बाद क्या करना है, आपको ऐसे कर लेना है। करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद आपको क्या करना है, साउंड को फिर से 0 कर देना है। 0 करने के बाद एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, SSL पे क्लिक करना है। क्लिक करके काफी सारे कलर के ऑप्शन आ जाएंगे, जो आपका करेक्टर है उसको यहाँ पर लो नहीं करना है, बाकी के सारे को लो कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने करेक्टर को हाईलाइट किया है, आपको भी ऐसे हाईलाइट करना है और सारे कलर को यहाँ पर 0 कर देना, तभी आपको एक तगड़ा इफेक्ट निकल के आएगा। फिर आपको वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना, फिर आपको काफी सारे इफेक्ट दिखेंगे जिसको आपको लगाना है, तभी आपका एक तगड़ा लुक मिलेगा। मैंने यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, सेकंड जो है नीचे दिख रहा होगा उसको बढ़ा देना है, एंड फाइनल रिजल्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर